मेरे को एक्चुअली वहाँ पे भी पता करना है कि कुछ पोजिशनली हम लॉन्ग कर सकते हैं क्या, ये TCS इन्फोसिस में वापस से पता करना चाहता हूँ। संतोष सर, मैं थोड़ा पोजिशनली लेके रखना चाहता हूँ, मैं गलत फैसला ले रहा हूँ या सही? ये दोनों का स्ट्रक्चर अच्छा है, पोजिशनल भी लेके चल सकते हो। टीसीएस की बात करें, पहले इन्फोसिस की बात करें तो 1440 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 1440 से 1420 का जो एरिया है लग रहा है ऊपर में, 1540 तक की अपसाइड, मतलब 100 रुपए तक की अपसाइड आ सकती है पोजिशनल बेसिस पे। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस की स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है नीचे 3400 का। ऊपर में जो टारगेट आ रहे हैं इसके 3670 3700 तक के आ रहे हैं, तो दोनों पे ही व्यू बुलिश है। यहाँ से पोजीशन आप तेजी ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा आउट परफॉर्म आप, मुझे लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से देखने को मिल सकता है। कैप आईटी तो चल ही रहा है, परसिस्टेंट और कुफोर्स की आप तेजी देखें, लगभग 2-2.5% की मूव वहां बनी हुई है। एक बार आईटी पे व्यू बन क्या रहा है आपका जो है? आप आईटी में आपने हालांकि KPIT टेक को लेने की सलाह दी थी, परसिस्टेंट और कुफोर्स को भी इन लेवल्स पर प्लस करने की सलाह होगी या फिर क्या एंट्री पॉइंट होना चाहिए इन पे? तो डेफिनेटली प्रियंका जी, कुफोर्स भी मुझे काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है सपोर्ट के, वहां से ये स्टॉक ने आज अपसाइड दिखाया। मुझे लग रहा है ये अपसाइड कैरी ऑन हो सकता है, अराउंड 5800 के वहां पर एक टारगेट बन रहा है, तो वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। वीकली चार्ट पर हम देखे तो सॉरी मंथली चार्ट पर देखे तो ये महीने अराउंड 13-14% का अपसाइड दिखाया, और ये मोमेंटम कैरी ऑन हो सकता है आने वाले मंथ के लिए भी। कुफोर्स है, LTI, माइंडट्री, ये सब स्टॉक्स में मुझे काफी स्ट्रेंथ क्रिएट कंपैरेटिवली टू लार्ज कैप, तो वहां पर मेरा व्यू भी काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और यहाँ पर LTI माइंडट्री पर देखे तो अराउंड 5600 के लेवल्स पर जल्दी हम आज के दिन में भी शायद दिख सकते हैं या इवन